शासन हम लोगों को जान मार दे, लेकिन गरीब का आवाज उठाएंगे। ये देश मोदी मुक्त देश बनाना है, भाजपा को भगाना है। पुलिस वाले भाई को भी अपने बच्चे के लिए दूध खरीदना पड़ता है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बाल बच्चा नहीं है। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट, मैं हूँ आपके साथ रोहित सब मौजूद है डेकबंगला चौराहे पे। आप देख सकते हैं जो जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो डेकबंगला चौराहे पे पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज राजभवन मार्च किया जा रहा है, और आपको बता दें कि जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी के द्वारा जिस तरीके से जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और जन अधिकार पार्टी के तमाम जो नेता है वो सड़कों पर उतरे थे और आज वो राजभवन मार्च करने जा रहे थे। आप देख सकते हैं तमाम लोगों को पटना डेकबंगला चौराहे पर रोक दिया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रही है, हालांकि लगातार इनको प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है। पर देख सकते हैं लगातार जो कार्यकर्ता है, जो जन अधिकार पार्टी की महिला भी है, लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। देख सकते हैं काफी, देख सकते हैं प्रशासन लाठी चार्ज कर दिया है। देख सकते हैं प्रशासन पूरी तरीके से लाठी चार्ज कर दिया है। आपको हम सीधे तस्वीर डेकबंगला चौराहे से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, हालांकि जो भी कार्यकर्ता थे वो रुकने को तैयार नहीं थे। प्रशासन लगातार बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी। देख सकते हैं किस तरीके से, आपको हम सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रशासन है वो अब जो जाप पार्टी के कार्यकर्ता थे जो उतरे थे सड़कों पर, अब तमाम लोगों को प्रशासन बलपूर्वक से यानी अब लाठी डंडे का प्रयोग करके प्रशासन अब इनको हटाने की कोशिश कर दी है। देख सकते हैं आपको हम सीधा तस्वीर पटना के डेकबंगला चौराहे से दिखा रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता थे लगातार वो उग्र होते जा रहे हैं और लगातार इनको प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है और लगातार ये बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ रहे थे। देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन अब बलपूर्वक के द्वारा प्रशासन अब बल का प्रयोग करके इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। आपको हम सीधे तस्वीर देखने नरेंद्र मोदी, ये डरपोक सरकार, ये डरपोक सरकार, ये डरपोक सरकार, पुलिस प्रशासन को आगे करेंगे। हम कर भी है, हम नौजवानों के लिए हम सीधे तस्वीर डेकबंगला चौराहे से तो बता दें कि जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज अग्निपथ स्कीम और जीएसटी को लेकर और लगातार जो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, तमाम मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी आज सड़कों पर उतरी थी और आज राजभवन मार्च करने जा रही थी। और अभी काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो जेपी गोलंबर से चल के डेकबंगला चौराहे तक पहुंचे थे, हालांकि डेकबंगला चौराहे पर प्रशासन लगातार इनको रोकने की कोशिश कर। देख सकते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, फिर से देख सकते हैं किस तरीके से वो फिर से लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और प्रशासन जो भी कार्यकर्ता है तमाम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लगातार प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है। आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएं डेकबंगला चौराहे से, जो भी कार्यकर्ता हैं अब वो पूरी तरीके से उग्र हो चुके हैं और प्रशासन अभी इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। प्रशासन बैरिकेडिंग लगा कर रखी है, लेकिन जो भी लोग हैं लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और लगातार प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रही है। आपको हम सीधा तस्वीर डेकबंगला चौराहे से दिखा रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग जा रहे थे बढ़ते महंगाई को लेकर मार थे और अग्निवीर को लेकर मांग था, लेकिन ये पढ़ने कैसे जाइएगा। ये प्रशासन हम लोगों को जान मार दे, लेकिन गरीब का आवाज उठाएंगे, किसान का आवाज उठाएंगे, नौजवान का आवाज उठाएंगे,
ये सरकार किसान हत्यारा सरकार है, नौजवान हत्यारा सरकार है, बेरोजगार करने वाला सरकार है, जीएसटी चोपने वाला सरकार है। ये सरकार आजादी के 75 साल के बाद खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाया है। ये देश मोदी मुक्त देश बनाना है, भाजपा को भगाना है, अंध भक्त मुक्त देश बनाना है। सोचिए, खाने पीने वाला गरीब को थाली से अन्न छीन लिया। प्रशासन लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, बैरिकेडिंग लगा रही है, मार के पैर फोड़ दिया गया। प्रशासन हमको जेल ले चले, सर फोड़ दिया गया। नहीं, शांति पूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, ये लाठी चलाने का काम किए ये लोग। ये डरपोक प्रशासन, डरपोक सरकार, जब जब सरकार डलती है पुलिस प्रशासन को आगे करती है। पुलिस वाले भाई को भी अपने बच्चे के लिए दूध खरीदना पड़ता है, लेकिन आदल दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बाल बच्चा नहीं है। देश के गरीब को मोबाइल फोड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा, लाठी चलाया गया है, लगातार लाठी चलाया गया है। मंत्री लोग का पावर चला जाता है तो बिलबिला के धरने पर बैठ जाते हैं, और 4 साल आप अपनी जान पर जोखिम में लेकर के अग्निवीर योजना में जो युवाओं को भेज रहे हैं, क्या हम पूछते हैं मंत्रियों से 25,000 रुपया के चलते आप अपनी जान को हथेली में लीजिएगा? अगर नहीं तो आपके 2.5 साल के बाद सरकार गिर गई, मंत्रालय हाथ से चली गई, तो रोड पे क्यों आ गए आप? क्यों धरना कर रहे हैं आप? जीएसटी वापस लेना पड़ेगा, अग्निवीर को वापस लेना पड़ेगा, और महंगाई को कम करना होगा। इसी मांग के साथ हम लोग देख सकते हैं, जो भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भी नेता हैं, देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया है, और वो बैरिकेडिंग पर खड़े हैं और लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो प्रशासन है, काफ़ी संख्या में प्रशासन भी मुस्तैद है, और लगातार प्रशासन इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, और वाटर कैनल की गाड़ी भी लगाई गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो प्रशासन का यहाँ पर प्रशासन की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, और लगातार जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनको रोकने की कोशिश की जा रहा है। हालांकि जो भी लोग उनका कहना है कि प्रशासन लाठी चलाए या कुछ भी चलाए, हम लोग आगे जाएंगे तो जाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता ऊपर बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं, और लगातार इनको प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है, और इनको कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, कहीं से सही नहीं है। आपको हम सीधा तस्वीर लगा रहे, देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन इनको रोकने की कोशिश कर रही है, और ये लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है, और हाथ में पार्टी का झंडा लिए हुए सभी जो जन अधिकार पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग मंगला चौराहे पर पहुँचे हैं। हालाँकि प्रशासन इनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।